अबे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्या? रिकॉर्ड क्यों नहीं करता है पागल? अरे यार गाइस गुड मॉर्निंग, रिकॉर्ड ही नहीं करता है। तो कल मैं गया था, कल सुबह ही टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ महाराष्ट्र, वहां चढ़ते चढ़ते तो ठीक है, उतरते उतरते भी बैंड बज गई। उतरना ज्यादा रिस्की है मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वहां पे बहुत लूज रॉक्स भी है और उतरना काफी रिस्की लगा वहां पर। बहुत बार पैर फिसले, कोई स्ट्रांग एंकल वाला नहीं होगा तो उसका तो बैंड भी हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल के जाना वहां पे और प्रैक्टिस करके जाना सबसे पहले तो, क्योंकि टॉलेस्ट है ना वो ट्रैक, तो पहले छोटे छोटे ट्रैक्स दो चार करके फिर वहां जाना तो थोड़ा बेटर रहेगा। और पैर अभी एज कंपेरेटिवली इतने नहीं दुख रहे हैं जितने तब दुखे थे जब मैं गया था सीहगढ़। सीहगढ़ में बहुत पैर दुखे थे, बट यहाँ इतने नहीं दुखे अभी, क्योंकि जिम विम सब चालू है रेगुलर, तो अपना पैर की एक्सरसाइज होती रहती है तो बढ़िया है। कल दुख रहे थे लेकिन आज नहीं दुख रहे, अब जो एक दो दिन तक दुखते रहते ना वैसा नहीं हुआ, कल दुख के कल की कल ही खत्म। तो अभी ऐसे ही महीने में एक दो बार देखते हैं जाया करेंगे कहीं पर, ऐसे घूमने अच्छा लगता है थोड़ा, नेचर के पास भी और फिटनेस भी बनी रहती है। तो कल सैटरडे को भी नहीं सोया था मैं रात में, और आज संडे को सोया था, बस संडे को रात में 8 बजे से आज सुबह 8 बजे तक सोया। आज मंडे है तो 12 घंटे पूरा सोया आज मैं, क्योंकि सैटरडे को नींद नहीं हुई थी। और देखते हैं बाकी, अब सब वापस काम, गिटार रिपेयर और ये सब करना है। कुलदीप भैया हमारे थे, वो बोल रहे थे हमको नहीं ले गए, तो इनका प्लान बन नहीं रहा था, ये थक रहे थे ये बोल रहे थे, तो अगली बार ये भी चलेंगे हमारे साथ। अरे पर मैं थक नहीं रहा था, मैं बोल रहा था कि अपन इस संडे नहीं नेक्स्ट संडे चलने की बात, नेक्स्ट संडे तुम्हारे पापा भैया नहीं है उसकी नेक्स्ट संडे, हाँ तो चल चलना। मैंने कब मना किया, जाते रहेंगे अब तो, जब इच्छा हो चल चलना, मैं तो जब जाऊंगा जब चल चलना, नहीं जाऊंगा तो मत चलना, नहीं तो कभी अपने साथ। अरे इनका कैसा है बता, प्लान मेरा प्लान देखो आपको ही पता है गाइस कब बना था, रात में 8 बजे के बाद जब मैं घर पहुंचा, मैंने लगा यार कल संडे क्या करूंगा, कुछ काम नहीं है, तो मैंने सोचा चल चलते हैं, मेरा तो ना कुछ टिकट था ना कुछ प्लान था, तो मैंने बैग भी तभी लिया पता है, एक बैग लिया छोटा वाला बैग भी लिया वो पता है गाइस को, और फटाफट किया, मतलब मैं जो दुकान के कपड़ों में आया था ना सैटरडे को, वही कपड़े में मैं गया, चेंज तक नहीं किया मैंने, टाइम ही नहीं था इतना मेरे पास, जीरो प्लान, नो टिकट कुछ भी नहीं, बस चढ़ गया ट्रेन में टीसी से बात किया सब अपना काम खत्म, वहां जाके वहां गए, उधर कल सुबह के लिए मिला मुझे, हरिहर फोर्ट के लिए मिल ही नहीं रहा था कोई जाने वाला, अब अकेले को तो ले जा नहीं सकते क्योंकि 3,000-3,500 रुपए है एक गाड़ी का टिकट, तो कम से कम 9-10 जने हो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 350 में पहुंचा मैं वहां पे, फिर कल सुबह कसारा स्टेशन उतरा था, वहां से कल सुबह पहुंचा। मुझे ये तक नहीं पता कि कसारा तक वो जाती है, लोकल ट्रेन भी जाती है, नहीं तो लोकल ट्रेन से चले जाता, रुपए बच जाते मेरे, बरोबर आधे पैसे बच जाते, आधे क्या 35 रुपीज में पहुंच जाता मुंबई से कसारा। लोकल ट्रेन जाती है? हाँ जाती है, आया क्योंकि मैं लोकल ट्रेन से आया, वहां से 1.5 घंटे में पहुंचा दिया, 1.5-2 घंटे लगते हैं, पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब आप बोरीवली से लेके चर्चगेट जाओगे बस इससे थोड़ा सा और दूर है, आधा घंटा और लगेगा ज्यादा, लगभग उतना। कैसा है कि अभी अपने को मतलब अभी मैंने सोचा था कि वहाँ पे जाना है, मतलब हरिहर फोर्ट जाना है, लेकिन इनका अजीब प्लान बनता है, पहले तो अजीब प्लान नहीं बोलते उसको, एट द टाइम प्लान बनता मतलब है। अजीब प्लान कैसे, मतलब कि एंड टाइम पे एंड मौके पे, मतलब जो अपने पास सामान नहीं है, जो इनके सामान इसके कारण नहीं है। हाँ कभी कभार इनको इनका मूड कब बनता है, कैंपिंग के लिए, अरे मतलब कैंपिंग के लिए मैंने सामान खरीदना, हाँ हमारा तो कोंडाना जाने के लिए पहले 2 हफ्ते पहले प्लान बना था, टिकट बुक हुआ था, सब कुछ होने के बाद हमने जाने की डिसाइड कर लो, और हम लोग सुबह 4 बजे उठ के, हमको पता था वहाँ पे जाना ही, हम सुबह 4 बजे उठ गए थे उसके लिए, और इसके लिए कुछ पता ही नहीं था हमको कि कहाँ कैसे जाना है, कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं तो जाके भी आ गया गाइस, और अगर कैंपिंग करना हो तो इसको बोलना भी था परसों चल कैंप लेने चलते, नहीं लिया इसने, मैं क्या करूं, हरिहर फोर्ट नहीं गए ना, हरिहर फोर्ट वहां पे जाके क्या, कोई बात नहीं, जहाँ ले आना था ऊपर वाले का वहां ले, कल सुबह लेके भैया सबसे टॉलेस्ट माउंटेन ले गया, और क्या चाहिए इससे ज्यादा, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती। पर मुझे वहां पे जाना है, तो वहां ले चलना, वहां चल चलेंगे हरिहर फोर्ट, इसलिए शायद भगवान ने इसलिए सोचा होगा, अरे यार कुलदीप आया नहीं है तो अभी हरिहर फोर्ट कैंसिल करवाते हैं रोहित का, कल सुबह ले चलते टॉलेट क्योंकि कुलदीप भैया थोड़े बुढ़ापे में चल नहीं पाते ना बेचारे तो इनने बोला चलो हरिहर फोर्ट इनके लिए बचा के रखा जाए, भगवान का प्लान था ये, तो अब अगली बार हरिहर फोर्ट चले जाएंगे, बस खुश।
नहीं नहीं हरियर कोट में कैसे पता है अपने को ऊपर से देखने में अलग ही फील होता है। अरे तुम हरियर कोट उसका आधा भी नहीं है, उसका कलचुबाई का बहुत ऊंचा है कलचुबाई, वहां से तुम्हारा वहां पे जो गुफा है उस गुफा में जाने में क्या है अलग ही इंटरेस्ट आता है, वो बोल रहा हूँ मैं। वो जो ऊपर हरियर कोट में गुफा है ना ऊपर की उसमें। अरे ठीक है ना, वहाँ भी चल चलेंगे। तो कल सुबह ही हो आया मैं। तो गाइस अरोमा डिफ्यूजर आ गया है नया वाला, पुराना वाला खराब हो गया था ना। पिछली बार कांच का मंगवाया था, इस बार लकड़ी का मंगवाया क्योंकि कांच वाला क्रैक हो गया था ना, तो ये लकड़ी का। मस्त सही दिख रहा है एकदम यार, देखो पूरा वुड है ये, और ऊपर वही यहाँ पे हम वो डाल देंगे हमारा लोभान और कपूर, और ये अच्छा है, गहरा भी नहीं है ज्यादा, तो एकदम बढ़िया है, तो शानदार 5 स्टार रेटिंग दूंगा इसको मैं, मस्त लग रहा है। ये नेगेटिव इंसान है, बहुत नेगेटिव बात करता है। नेगेटिव नहीं, जब कोई किसी चीज को यूज करके नहीं देखे तब तक तो उसके बारे में इसको स्टार कैसे दे सकते। बहुत नेगेटिव बंदा है यार, इस बार तो चलना चाहिए। अच्छा पहले वाला यूज किया तब पता चला ना कि वो सही नहीं है, तो आप वो तो क्रैक था ना पहले नहीं, से आप तो उसको भी स्टार देते थे, क्या मिलता फिर आपको। अरे क्रैक था ना वो तो पहले से, काम तो अच्छा ही कर रहा था। काम अच्छा कर रहा है वो नहीं बोल रहा, लेकिन टूट गया ना वो तो, ये टूटा हुआ निकला ही, टूटा हुआ वो तो फिर अमेज़न की गलती हो। तो ये लोभान और कपूर डाल दिया है उसका पाउडर बना के, अब इसको लगाते हैं स्विच बोर्ड में और ऑन। वाह लाइट तो जल गई है, अभी 5 मिनट बाद वो आना चालू हो जाएगी। गाइस मस्त खुशबू आ रही, पहले मस्त धुआं भी उठ रहा है इसमें से, कपूर और लोभान का प्यारी खुशबू, मजा आ गया। गाइस वॉयलिन बो सुधार रहा हूँ मैं, और पिक्सी देखो उसके बालों को क्या कर रही है, वॉयलिन बो को क्या कर रही है पिक्सी, खेल रही है उसके साथ। अरे अरे नए वाले के साथ कुछ मत कर, नो वो नया वाला है। अरे और गाइस जो केटल मंगवाया पहली बार उसमें दूध गर्म कर रहा हूँ, देखते हैं पिक कर, और उसमें डालेंगे हम बॉर्नविटा। और गाइस बैड न्यूज, पहले दिन दूध पूरा उफन गया यार, इसमें तो लिखा हुआ था बॉयल प्रोटेक्शन के साथ है, मतलब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बंद हुआ ही नहीं। पोपट हो गया मेरा, अभी टेबल भी खराब हुई और पूरी केटल भी खराब हो गई, ऐसे नाली केटल ऊपर तक पूरी, अब इसको साफ करो। अरे यार आई हेट बैचलर लाइफ भैया, बहुत ज्यादा ही अनप्लान्ड कांड कर दिया है मैंने, मतलब मेरे पास अब ग्लास भी नहीं है। तो बाजू वाले से लेके आया उमंग भाई से डिस्पोजेबल ग्लास, बट दूध इतना गर्म है कि ये इसमें डालूंगा तो ये भी मतलब पिघल जाएगा, तो फिर अभी मैंने ऑनलाइन एक ग्लास ऑर्डर किया, सिंगल ग्लास ऑर्डर किया ऑनलाइन। कहाँ दिमाग है आज मेरा, पता नहीं चल रहा है मुझे। आई डोंट नो बिचारी केटल को देखो क्या हाल हो गई है केटल की। बाकी मैंने इसके अंदर बोन मीटर डाल दिया है, तो चॉकलेटी तो आएगा, तो चॉकलेटी स्वाद तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ग्लास आने का, 5-10 मिनट और है आने वाला होगा। बट सच में यार क्या ही दिमाग है मेरा, मतलब मुझे भरोसा नहीं होता खुद पे अब।